नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स के लेजर सर्जरी के बारे में। आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपके पाइल्स का लेजर सर्जरी का इलाज होना जरूरी है और आप लेजर सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आप कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए, अगर आपको लेजर सर्जरी करवाना है तो आपको कुछ सवाल पूछना पड़ेगा डॉक्टर से। जो एकदम बड़े हॉस्पिटल है, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर हो सकता है लेजर मशीन अवेलेबल हो, लेकिन जो छोटे मोटे हॉस्पिटल है जहाँ पर आप जाते हो, आपके आजू बाजू में, आपके शहर में जो छोटे मोटे हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर आप जाते हो और आप कहते हो कि मुझे लेजर सर्जरी करना है और डॉक्टर कहता है हाँ मैं लेजर सर्जरी करता हूँ, मेरे पास लेजर मशीन है, ऐसा कह के आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। आपको कुछ सवाल जरूर पूछना पड़ेगा, आपको कुछ लेजर मशीन की जानकारी रहना जरूरी है और यही आपको बातें बताने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको पूछना है कि डॉक्टर साहब, आप लेजर का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपकी लेजर की मशीन कौन से कंपनी की है। सिर्फ गिने चुने ही चार पांच कंपनी के नाम मैं आपको बता सकता हूं जो अच्छे हैं, जैसे कि एक है लेजरट्रॉनिक्स, एक IMDSL, एक नियो और दो तीन मशीनें हैं जो अच्छे कंपनी के। आपने कंपनी का नाम याद भी नहीं रखा तो भी आप ये सवाल तो पूछ सकते हो कि आपकी लेजर की मशीन कौन सी है। अगर उन्होंने कहा कि मेरी मशीन जो लेजरट्रॉनिक्स है, नियो है, IMDSL है या फिर और एक दो नाम है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनमें से है, तो आप समझ जाओ कि ये ठीक मशीन है। आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी कौन से टाइप की लेज़र मशीन है। अगर उन्होंने कहा कि ये डायड लेज़र मशीन है तो बिल्कुल आप सही जगह पे पहुंच रहे हो। डायड लेज़र मशीन ही पाइल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने कुछ और नाम दिए, जैसे कि इसमें है बीम टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड, क्रायो, हार्मोनिक, ऐसा कुछ भी नाम अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास ये मशीन है, बहुत ही अच्छी मशीन है, बीम टेक्नोलॉजी की मशीन बहुत अच्छी है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, क्रायो टेक्नोलॉजी है, हार्मोनिक टेक्नोलॉजी, लेकिन ये मशीनें लेज़र लाइट पे काम नहीं करती, इसमें से कोई लेज़र लाइट या लेज़र बीम नहीं निकलती, ये अलग टेक्नोलॉजी की मशीन है, ये लेज़र मशीन नहीं है, अगर ये कुछ आपको अगर बताया गया तो आप ये समझ जाए कि ये लेज़र टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लेज़र मशीन नहीं है और डॉक्टर आपको लेज़र मशीन के नाम से इसी मशीनों से ऑपरेशन करने वाला है, जो आपको गलत रहेगा, आपके साथ एक धोखा रहेगा कि आपको लेज़र के नाम से ये मशीनों से ऑपरेट किया गया। तो ये मशीनों का नाम सुनते ही आप बोल दीजिए कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, मुझे तो केवल लेज़र मशीन से ही ऑपरेट करना है। अभी दूसरा सवाल आपके सामने ये है कि डॉक्टर साहब, आप डायड लेज़र यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, आपका 980 का मशीन है या 1470 का मशीन है, 980 या 1470, ये आप सवाल बिल्कुल पूछ सकते हो, एक दो सवाल ही पूछना है। अगर आपने ये सवाल पूछ लिया तो डॉक्टर समझ जाएगा कि अगले वाले को काफ़ी जानकारी है, इन्होंने काफ़ी रिसर्च करके आया है, काफ़ी पढ़ाई करके आया है, तो उसको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे वो पैसे ले रहा है। अगर उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास 980 है या 1470 है, तो बिल्कुल आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगी कि आप कौन से मशीन से ऑपरेट करने वाले हैं। अगर उन्होंने कहा कि मेरे पास 1470 मशीन है तो ये बिल्कुल सही जगह है ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि आज के डेट में 1470 मशीन ही अच्छी मशीन है पाइल्स का ऑपरेशन करने के लिए। 980 से भी ऑपरेशन होते हैं लेकिन 1470 एक नया एडवांस मशीन होने की वजह से 980 के ऊपर उसके काफ़ी बेनिफिट है। इसमें मेन बेनिफिट है कि 50% रिडक्शन इन द साइज ऑफ पाइल मास इमीडिएटली, जैसे ही आपका ऑपरेशन होता है आपका पाइल्स का साइज एकदम से ये मशीन से कम हो जाता है, जो 980 के मशीन से नहीं हो पाता, और इसमें कोई लैटरल डैमेज भी नहीं होता। लैटरल डैमेज क्यों नहीं होता वो मैं आगे और आपको बताना चाहूँगा, लेकिन 1470 मशीन बहुत ही अच्छी मशीन मानी गई है। फिर वाई नॉट 980? 980 इसलिए नहीं है कि इमीडिएट पाइल्स का साइज रिडक्शन नहीं होता और उसमें लैटरल डैमेज के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। कैसे होते हैं? इन फिशर में क्या होता है, मोर चांसेस ऑफ अप्सेस एंड अल्सरेशन फॉर्मेशन। अप्सेस फॉर्मेशन इसलिए होता है कि उसकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा डिलीवर्ड होती है, उसका जो पेनिट्रेशन है उसके लेज़र वेव्स का वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, उस वजह से वहाँ के जो डैमेज होता है उस वजह से वहाँ के कलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। और अल्सरेशन फॉर्मेशन एनल म्यूकोजा, क्योंकि वो जो एनल कैनल का जो म्यूकोजा है उसको भी वो थोड़ा डैमेज कर सकता है और अल्सरेशन फॉर्मेशन हो सकता है। डिफरेंस क्या है इसमें 1470 में और 980 में, क्योंकि 980
पेनेट्रेट अप टू 6 to 8 mm, यानी उसके पॉइंट से, उसके पॉइंटर से, जो उसका एक फाइबर रहता है उसके पॉइंटर से जब लेज़र रे निकलती है और किसी चीज़ को टच करती है, तो वो टच करते समय अंदर में वो 8 mm तक जा सकती है उसकी एनर्जी। जबकि 1470 की टच होने के बाद जिस चीज़ को भी टच करेंगे उसका 2 to 3 mm का ही पेनिट्रेशन है, यानी उसका लैटरल डैमेज बहुत कम रहेगा। ऐसे में अगर ये फिशर में यूज़ होता है तो जैसे मसल काटते हैं हम लेज़र से, लेकिन थोड़ा सा उसका पेनिट्रेशन उसके म्यूकोजा तक चला जाता है, एनल म्यूकोजा तक, और वहाँ पे अल्सरेशन होने के चांसेस है। ये अल्सरेशन आपको तुरंत नहीं दिखाई देता, लेकिन 4-5 दिन के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि वहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है, कुछ अल्सर बन रहा है, और यही चांसेस 980 मशीन के साथ अक्सर देखे गए हैं। साइड इफेक्ट ऑफ लेज़र, इट इज़ लेस विथ 1470 एंड मोर विथ 980, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो यही सब बातें आपको डॉक्टर से पूछना है। आपके पूछने से डॉक्टर समझ जाएगा कि पेशेंट बहुत एजुकेटेड है, बहुत तैयारी से आया है, उसको सब कुछ मालूम है, आपको मूर्ख नहीं बना सकता, उल्लू नहीं बना सकता, और आपका काम बिगड़ नहीं सकेगा। अगर आपको डॉक्टर ने फ्रेंकली कुछ चीज़ों के बारे में बता दिया कि मेरे को ये मशीन है, तो आप उस डॉक्टर को या हॉस्पिटल को अवॉइड भी कर सकते हैं। आप बेटर सेक्टर जा सकते हैं जहाँ पे आप इस मशीन से, यानी 1470 लेज़र, ओरिजिनल लेज़र मशीन से आप ऑपरेट करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैसे तो हर जगह देना है। डॉक्टर आपको कभी भी अपने मन से मशीन नहीं बताएंगा, कभी भी अपने मन से आपको इसके फायदे नुकसान नहीं बताएंगा, कभी भी अपने मन से कौन से मशीन से ऑपरेट करना चाहिए ये नहीं बताएंगा। इसलिए मैं ये सब बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, जाने के पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हो सकता है आपके किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत हो तो आप उन्हें शेयर करना भी ना भूलें। और इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।